हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान का किचन। आज हम बनाने वाले हैं चीजी क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। आपने देखा होगा कि व्हाइट सॉस बनाने के लिए पहले तो हम मैदा भूनते हैं, उसके बाद उसमें मिल्क डालते हैं। बट मैंने अपनी इस रेसिपी में मैदा का यूज बिल्कुल नहीं की हूँ, सो ये थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। पास्ता की रेसिपी है तो बहुत सिंपल, बट इसमें जो व्हाइट सॉस बनाते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को अच्छी तरह बताई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द रेसिपी। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हूँ 250 ग्राम के करीब पेने पास्ता। मैंने पेने पास्ता इसीलिए ली हूँ क्योंकि ये काफी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो स्पाइरल शेप वाले पास्ता, जिन्हें हम फ्यूजली बोलते हैं, वो या फिर मैक्रोनी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पास्ता को उबालना होगा। पास्ता उबालने के लिए गैस पे एक बड़े बर्तन में लगभग 6 कप के करीब पानी रखें। हमें ठंडे पानी में पास्ता नहीं डालना है। जब पानी हल्का गर्म हो जाएगा तो ही हम इसमें पास्ता डालेंगे। पानी हल्का गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर पास्ता पे सॉस की कोटिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास्ता। पास्ता डालने के बाद हमें इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकने देना है और 1-2 बार बीच बीच में स्टर कर लेना है, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। ध्यान रहे कि हमें पास्ता को सिर्फ 80% ही कुक करना है। अगर हम इसे ज्यादा कुक कर देंगे तो फिर पास्ता व्हाइट सॉस में जाने के बाद मैशी सा हो जाएगा। पास्ता का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए इस पे 1-2 बार नॉर्मल टैप वाटर डाल देंगे और स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं अपना व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस में जो भी वेजीज हमें यूज करनी है उसे हम हल्का सॉटे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 1 टेबलस्पून बटर। जब बटर हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें ध्यान से डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे रफली चॉप किए हुए गाजर। गाजर हमें सबसे पहले ही डालनी है बिकॉज ये बाकी वेजीज के कंपेरिजन में थोड़ी हार्ड होती है। गाजर को हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे करीब 2 मिनट के लिए। अच्छा, कुछ लोग अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह बारीक चॉप किए हुए लहसुन डालते हैं, पर मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट मेरी इस वाली व्हाइट सॉस के लिए बेटर लगा, इसलिए मैंने वो यूज़ की हूँ। गाजर को सॉटे करके 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रफली चॉप की हुई प्याज और हरी शिमला मिर्च। आप इस पॉइंट पे इसमें रेड और येलो बेल पेपर्स, मशरूम्स, कॉर्न, जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए हम प्याज और शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे और फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो सॉस बनाने के लिए दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी पैन में सॉस बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं वेजीज को अलग साइड में निकाल के रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो 1/2 कप फुल फैट मिल्क लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क डाल दी। मैंने जो मिल्क यूज़ की हूँ इसे मैंने पहले से बॉयल करके फ्रिज में रख दी थी, इसीलिए इसके ऊपर मलाई की लेयर फॉर्म हो गई थी। आप चाहें तो मलाई डालना स्किप कर सकते हैं बिकॉज आगे हम क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मिल्क जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज के और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरी तरह मिल्क में डिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैंने एगलेस मेयोनीज ली हूँ। अब इसके बाद हमें इसमें क्रीम डालना है। तो यहाँ पे मैंने जो क्रीम यूज़ की हूँ वो है अमूल फ्रेश क्रीम, 250 ml वाला टेट्रा पैक। आप जो चाहे वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इस टेट्रा पैक का हमें सिर्फ 3/4 हिस्सा ही डालना है, क्योंकि हम इसमें मैदा नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए क्रीम डालना इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। और सॉस बनाते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। क्रीम डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसमें अब हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ हर्ब्स, जैसे कि 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें।
हमें इस पॉइंट पे ज़्यादा हर्ब्स नहीं डालने हैं, बिकॉज पास्ता डालने के बाद हम कुछ हर्ब्स और ऐड करेंगे। अब इसे ऐसे ही चला चला के लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लें, ताकि सॉस सब कहीं से अच्छे से कुक हो जाए और जो हर्ब्स का फ्लेवर है वो सॉस के साथ मिक्स हो जाए। जब सॉस पैचुला या फिर स्पून, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह कोट होने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी सॉटेड वेजीज डाल देंगे और वेजीज को सॉस के साथ अच्छे से कोट कर देंगे। गैस की फ्लेम को अभी भी लो पर ही रखें और एंड तक हमें इसे लो पर ही रखनी है। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अगर चाहें तो नमक तभी डाल सकते हैं जब हम वेजीज सॉटे कर रहे थे, लेकिन मुझे नमक इस पॉइंट पे डालना ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज नमक अच्छी तरह पूरे सॉस के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉइल्ड पेने पास्ता और पास्ता को पूरी तरह सॉस के साथ कोट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ओरिगेनो। फिर इसे एक लास्ट बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके सेंटर पे थोड़ा सा चीज डाल देंगे। मेरे पास मोजरेला चीज थी तो मैंने वो डाल दी, आप प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और चीज़ पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर कोई क्वेरीज हो इस रेसिपी को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये चीज़ी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा सोचिए मत, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, खिलाएं और मज़े करें। बाय बाय।